नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है हर्षित देवी फ्रेंड्स, और मैं आपका स्वागत करता हूं अपनी इस वीडियो में। इस वीडियो में फ्रेंड्स, मैं आपसे यूनियन टेरिटरीज़ के बारे में बात करूंगा। यूनियन टेरिटरीज़ के नाम दिए गए, यूनियन टेरिटरीज़ कब कब बनी, कौन कौन सी यूनियन टेरिटरीज़ अभी एग्जिस्टेंस में है, कौन कौन सी पहले थी पर अब नहीं है, और यूनियन टेरिटरीज़ को कैसे एडमिनिस्टर किया जाता है। सिर्फ दिल्ली और पुडुचेरी की जो यूनियन टेरिटरी है उसके लिए जो अलग से स्पेशल प्रोविजंस हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स हैं, वो मैं एक सेपरेट वीडियो में डिस्कस करूंगा, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। उसके अलावा यूनियन टेरिटरी से रिलेटेड जो कुछ भी चीज़ है वो ये सब कुछ इस वीडियो में कवर होगा। और इस वीडियो को देख के और जो दिल्ली और पुडुचेरी वाली जो अलग वीडियो मैंने बनाई है जिसका लिंक नीचे दे रखा है, उसको देख के आपको हर चीज़ समझ में आ जाएगी यूनियन टेरिटरीज के बारे में। आपको कोई भी और सेस देखने की ज़रूरत नहीं है। तो इसको मैं आपके लिए लेके आया हूँ फ्रेंड्स। अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो मेरा इंस्टाग्राम प्रोफाइल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ये वीडियो हिंदी में है, अगर आप इसका इंग्लिश वर्जन देखना चाहते हैं तो उसका लिंक भी नीचे दे रखा है। तो चलिए आगे देखते हैं। ये मैप है और इस मैप में आपको जितनी भी यूनियन टेरिटरीज हैं सब दिख रही हैं। ये चंडीगढ़ रही इस जगह पे, फिर NCT नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, तो ये यहाँ पे है। अंडमान निकोबार आइलैंड्स ये रहे, लक्षद्वीप आइलैंड्स छोटे छोटे से ये रहे, पुडुचेरी चार जगह है आंध्रा के कोस्ट पे, दो जगह तमिलनाडु के कोस्ट पे और एक जगह केरल के कोस्ट पे। आप खुद जाके इंक्वायर करिए कि कौन कौन सी जगह का नाम है, कराईकलमा है, यनम, एक बार जाके देखिए। फिर दमन एंड दीव ऊपर है, उसके नीचे थोड़ा सा आएंगे तो दादरा नगर हवेली है। तो ये 7 यूनियन टेरिटरीज हैं। आगे चलते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस की अगर मैं बात करूं आपके साथ, तो यूनियन टेरिटरीज को मेंशन कहां किया गया है, आर्टिकल 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। आर्टिकल 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में टेरिटरीज ऑफ द स्टेट की भी बात की गई है, यूनियन टेरिटरीज की बात की गई है और एक्वायर्ड टेरिटरीज की बात हो गई है। एक्वायर्ड टेरिटरीज वो टेरिटरीज होती हैं फ्रेंड जिसको किसी भी समय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्वायर कर सकती है, खरीद के एक्वायर कर सकती है, जंग में जीत के एक्वायर कर सकती है, मतलब किसी भी तरीके से एक्वायर कर सकती है। ठीक है, तो इसी आर्टिकल 1 में यूनियन टेरिटरीज भी आता है। अब 7 यूनियन टेरिटरीज हैं अभी, कब बनी कैसे बनी वो थोड़ी देर बाद हम देखेंगे। लेकिन खास बात ये जानना ज़रूरी है कि ये जो कंसेप्ट है ना यूनियन टेरिटरीज का, ये हमारे देश के और आप कह सकते हो हमारी डेमोक्रेसी के एक प्रिंसिपल को वायलेट करता है, वो है फेडरल प्रिंसिपल्स को। तो देखिए फेडरल प्रिंसिपल्स क्या बोलते हैं, फेडरल प्रिंसिपल्स ये बोलते हैं कि डिवीज़न ऑफ पावर, प्रोविंसेस में पावर और जो मतलब जो लोकल लेवल पे जो पावर का डिस्ट्रीब्यूशन है, जैसे स्टेट्स को अपनी अलग पावर दी गई है स्टेट लिस्ट के थ्रू, यूनियन को अपनी अलग पावर दी गई है यूनियन लिस्ट के थ्रू, कॉन्करेंट लिस्ट वो है जिसपे स्टेट और यूनियन दोनों कर सकते हैं। तो ये फेडरलिज्म का सिद्धांत है कि जो स्टेट वाला काम है वो स्टेट गवर्नमेंट देखेगी, जो सेंटर वाला काम है वो सेंट्रल गवर्नमेंट देखेगी। लेकिन यूनियन टेरिटरीज के आने से हुआ ये कि कुछ ऐसी जगहें कर दी गई जहां पे पूरी तरीके से सेंटर का कंट्रोल रहा, तो फेडरलिज्म के कंसेप्ट को ये यूनियन टेरिटरी वाला कंसेप्ट वॉयलेट करता है, क्योंकि इनको सेंट्रली एडमिनिस्टर्ड टेरिटरीज बोलते हैं। यहां पे खुद की सिलेक्ट की हुई कोई भी सरकार नहीं होती है, केवल 2 एक्सेप्शन है इस बात को, एक है पुडुचेरी एक है दिल्ली, क्योंकि वहां पे खुद का स्टेट लेजिस्लेचर है। क्यों बना कैसे बना सब अभी देखेंगे। लेकिन ये जो यूनियन टेरिटरीज हैं सेंट्रली एडमिनिस्टर्ड टेरिटरीज हैं इंक्लूडिंग दिल्ली एंड पुडुचेरी, ये डायरेक्ट कंट्रोल में काम करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए। जो उनके ऊपर सबसे बड़ा कंट्रोल है वो किसका है, सेंट्रल गवर्नमेंट का। अलग अलग रीजंस की वजह से इनको बनाया गया है, एक बार देखते हैं क्या रीजंस है। अंडमान निकोबार आइलैंड्स और लक्षद्वीप ये आइलैंड्स हैं और हमारे मेनलैंड से थोड़े दूर हैं, तो इनको यूनियन टेरिटरी बनाना बहुत ही ज़्यादा लॉजिकल है। स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस है इनका, मैरीटाइम लेन्स शिपिंग लेन्स के पास पड़ते हैं, यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट का डायरेक्ट कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर यहाँ पे आप स्टेट गवर्नमेंट बना दोगे तो बहुत सारे और अलग डिविजिव फैक्टर्स आ जाएंगे। और ये जो आइलैंड्स हैं ये ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे आप डिसेंशन या इस तरीके की चीज़ों को टॉलरेट नहीं कर सकते, इसलिए यहाँ पे इनका यूनियन टेरिटरी रहना बहुत ज़रूरी है, डायरेक्ट सेंटर के कंट्रोल के अंदर रहना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद दादरा नागर हवेली और दमन एंड दीव ये दोनों पुर्तगाल के ऑक्यूपेशन में थे बहुत समय तक, और पुडुचेरी ये फ्रांस के ऑक्यूपेशन में था। तो यहाँ पे पुर्तगालीज कल्चर और फ्रेंच कल्चर काफ़ी हद तक आ चुका है, तो इन जगहों पे जब आप जाओगे ना फ्रेंड्स तो आपको वहाँ का कल्चर ही अलग नज़र आएगा। ठीक है, आप वहाँ पे जाके देखिए, ठीक है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि यार ये अलग है, मतलब कल्चर। आप इवन गोवा, गोवा तो अब स्टेट बन गया है, ठीक है ना,
लेकिन आप गोवा भी जाके देखोगे तो वहाँ पे जो रहने सहने का तरीका है, जो वहाँ का कल्चर है, वो काफ़ी हद तक इंडिया के कल्चर से अलग है। तो कल्चरल सिग्निफिकेंस की वजह से दमन एंड दीव, दादरा नगर हवेली और पुडुचेरी को यूनियन टेरेटरी बना के रखा गया है। और दिल्ली तो हमारी कैपिटल है, तो सिर्फ कैपिटल होने की वजह से उसको यूनियन टेरेटरी बनाया गया है, हालांकि उसका अपना लेजिस्लेचर भी है। और अगर चंडीगढ़ की बात करें तो चंडीगढ़ एक ऐसी जगह थी कि जब पंजाब से कटकर हरियाणा बना था ना, तो पंजाब और हरियाणा दोनों चंडीगढ़ के लिए लड़ रहे थे, दोनों को चंडीगढ़ चाहिए था। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक तरीका निकाला, भैया चंडीगढ़ को दोनों की राजधानी बना दो, चंडीगढ़ आपका यूनियन टेरिटरी भी रहेगा। इसलिए चंडीगढ़ को यूनियन टेरिटरी बना दिया गया, पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस की वजह से। तो पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस की वजह से दिल्ली चंडीगढ़, कल्चर की वजह से दादरा नागर हवेली, दमन एंड दीव और पुदुचेरी, और अंडमान निकोबार आइलैंड्स, लक्षद्वीप अपने स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस की वजह से। आगे चलते हैं। अब अगर आप अंडमान की बात करेंगे तो अंडमान को आइलैंड ऑफ गॉड भी बोला जाता है, और निकोबार को बोला जाता है नक्कावरम। नक्कावरम जो नाम है निकोबार को, वो चोला डायनेस्टी में दिया है, और इसका मतलब है नेकेड मैन, यानी विदाउट क्लोथ जो मैन होते हैं उनको नक्कावरम कहा जाता है। अंडमान को हंडुमान नाम भी दिया जाता था। उसके बाद दिल्ली का जो नाम था वो देहलिका या ढीली भी बोलते थे, DHILLI, और ये बोला गया कि ये जो नाम ढीली था, ये जो तोमर रूलर्स थे दिल्ली के, उन्होंने दिया था। और तोमर के बाद धीरे धीरे दिल्ली सल्तनत आई और दिल्ली पे मुस्लिम सुल्तान का राज हो गया। फिर अगर आप पुडुचेरी की बात करेंगे तो पुडुचेरी वर्ड दो वर्ड से बना है, एक पुडु से बना है, एक चेरी से बना है। पुडु का मतलब होता है नया, और चेरी का मतलब होता है एक सेटलमेंट। सेटलमेंट मतलब जहाँ पे लोग मिलके रह रहे हैं। और चंडीगढ़ की अगर बात करेंगे तो उसका नाम चंडी देवी का जो चंडी टेम्पल है उसके नाम पे पड़ा है। अब बात करें कि भाई ये यूनियन टेरिटरीज बनी क्यों, तो देखिए ब्रिटिश के रूल के दौरान होती थी चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस, ठीक है। तो ब्रिटिश रूल का, और सबसे खास बात ये है कि 1874 पे चले जाएंगे ना, और पहले चले जाएंगे, तो इनका नाम था शेड्यूल्ड डिस्ट्रिक्ट्स, पर बाद में इनको चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस बोला जाने लगा। और चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस बोला जाने लगा जब इंडिया को आज़ादी मिल गई, तो इन चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस को पार्ट सी और पार्ट डी स्टेट्स में क्लासिफाई किया गया। अब ये पार्ट ए बी सी डी स्टेट्स क्या थे ये मैं आपको किसी एक अलग वीडियो में बताऊंगा, वो थोड़ा डिफरेंट टॉपिक है, अलग तरीके से देखना पड़ेगा। तो इनको पार्ट सी और पार्ट डी स्टेट्स कहा गया। और फिर आया 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1956 और स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956। इसके थ्रू ये बोला गया कि भाई ये जो आपके पार्ट सी और पार्ट डी स्टेट है, जो पहले चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस थे, अब ये बन गए यूनियन टेरिटरी। और जब इनिशियली यूनियन टेरिटरी बनी थी तो बहुत सारी जो स्टेट्स अभी हैं वो उस समय यूनियन टेरिटरी थे, जैसे हिमाचल प्रदेश यूनियन टेरिटरी था, त्रिपुरा यूनियन टेरिटरी था, मणिपुर था, मिजोरम था, अरुणाचल प्रदेश था, गोवा था, ये सब यूनियन टेरिटरीज थे। बाद में इनको स्टेट्स बना दिया गया। अब अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स बना 1956 में यूनियन टेरिटरी, दिल्ली 1956 में, लक्षद्वीप 1956 में, दादरा नागर हवेली 1961 में, दमन एंड दीव 1962 में, पुदुचेरी 1962 में, और चंडीगढ़ 1966 में। चंडीगढ़ के टाइम पे तो पंजाब हरियाणा वाला इशू चल रहा था, दमन एंड दीव और दादरा नागर हवेली को पुर्तगाल से लिया गया, बाद में लिया, और पुडुचेरी को फ्रांस से। तो ये सब यूनियन टेरिटरीज बाद में बनी हैं। अब अगर आप भारतीय संविधान की बात करेंगे तो भारतीय संविधान में वो कौन से आर्टिकल्स हैं जो यूनियन टेरिटरी के साथ डील करते हैं, तो ये पार्ट 8 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 239 टू 241, यानी 239 से 241। और अगर आपसे पूछा जाए कि यूनियन टेरिटरी को चलाने वाली अथॉरिटी कौन सी है, एडमिनिस्टरिंग अथॉरिटी कौन सी है, तो वो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक एडमिनिस्ट्रेटर को अपॉइंट करेगा, जिसको कहीं कहीं पे ल्यूटिनेंट गवर्नर भी बोला जाता है। और ये एडमिनिस्ट्रेटर और ल्यूटिनेंट गवर्नर गवर्न करेगा यूनियन टेरिटरी को ऑन बिहाफ ऑफ द प्रेसिडेंट। अब यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान देनी है फ्रेंड्स, मैंने आपको स्टेट्स में गवर्नर का कंसेप्ट बताया था, और मैंने आपको बताया था कि गवर्नर इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल हेड, लेकिन यहाँ पे ये जो आपका एडमिनिस्ट्रेटर और ल्यूटिनेंट गवर्नर है, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड नहीं है, ये बस एक एजेंट है प्रेसिडेंट का। ही इज जस्ट एन एजेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, ये वही करेगा जो प्रेसिडेंट इससे करने को कहेगा। आप समझ रहे हैं बात को, ठीक है। ये सिर्फ वही करेगा, ये एडमिनिस्ट्रेटर ल्यूटिनेंट गवर्नर सिर्फ वही करेगा जो प्रेसिडेंट इससे करने को कहेगा। और प्रेसिडेंट एडमिनिस्टर कर रहा है यूनियन टेरिटरी को, इसका मतलब ये नहीं है कि प्रेसिडेंट की डिस्क्रिशनरी अथॉरिटी है कि वो अपने हिसाब से कुछ भी कहेगा, क्योंकि प्रेसिडेंट सिर्फ वही करता है जो सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स उससे करने को कहता है। तो इफेक्टिवली देखा जाए तो यूनियन टेरिटरीज को चला कौन रहा है, सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स चला रहे हैं यूनियन टेरिटरी को। आगे चलते हैं, ठीक है।
कुछ प्रोविजंस जो मेन मेन प्रोविजंस हैं जो डील करते हैं यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली और पौंडीचेरी के साथ, पुदुचेरी के साथ सॉरी, वो मैंने एक अलग वीडियो में डिस्कस किया है जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप उस वीडियो को भी जरूर देखिए। उन स्पेशल प्रोविजंस को मैं यहाँ पर डिस्कस फिलहाल नहीं कर रहा हूँ। अब लेफ्टिनेंट गवर्नर कहाँ कहाँ होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर कहाँ कहाँ होते हैं, ये दिमाग में रख लीजिए। पुदुचेरी, दिल्ली और अंडमान निकोबार आइलैंड्स में लेफ्टिनेंट गवर्नर है। दादरा नगर हवेली, दमन एंड दीव, चंडीगढ़ और लक्षद्वीप में है एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है, तो ये याद रखिएगा। उसके बाद यूनियन टेरिटरी के आसपास जो स्टेट्स हैं ना, उन स्टेट्स में से किसी एक स्टेट के गवर्नर को भी उस यूनियन टेरिटरी का एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट किया जा सकता है। और अगर ऐसा किया जाता है तो फिर उस यूनियन टेरिटरी को वो गवर्नर एज एन एजेंट ऑफ द प्रेसिडेंट गवर्न करेगा, और इसमें उसके सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इंटरफेयर नहीं कर सकते। इस बात को समझने की कोशिश कीजिएगा फ्रेंड्स, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको इस चीज़ को समझाऊं तो कैसे समझाऊं, जैसे मान लीजिए कि अगर बात की जाए पुदुचेरी की, ठीक है, तो पुदुचेरी के बगल में मान लीजिए तमिलनाडु, तो पुदुचेरी एक यूनियन टेरिटरी है, ठीक है। अब यूनियन टेरिटरी को वहाँ पे आप अगर आप पुदुचेरी की बात करेंगे तो थोड़ा सा पहले आते हैं आप, पुदुचेरी में आप देखिए लेफ्टिनेंट गवर्नर है, तो लेफ्टिनेंट गवर्नर अपॉइंट कर रखा होगा पुदुचेरी के लिए, ठीक है, इस समय पे शायद किरण बेदी जी हैं, ठीक है। तो अब आपको ये समझना है कि अगर मान लीजिए लेफ्टिनेंट गवर्नर वहाँ पे अपॉइंट अलग से नहीं किया जाता है, तमिलनाडु के गवर्नर को ही वहाँ का लेफ्टिनेंट गवर्नर अपॉइंट कर दिया जाए, तो तमिलनाडु का गवर्नर जब अपने स्टेट के लिए कुछ करेगा तो किसके हिसाब से काम करेगा, तमिलनाडु के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के हिसाब से। लेकिन जब वो पुदुचेरी के एडमिनिस्ट्रेटर या लेफ्टिनेंट गवर्नर की तरह काम कर रहा होगा तो वो सिर्फ प्रेसिडेंट की बात सुनेगा, तमिलनाडु के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की बात नहीं सुनेगा। समझ रहे हैं ना बात को, बस यही मतलब है इस लाइन का। उसके बाद पार्लियामेंट यूनियन टेरिटरी से रिलेटेड किसी भी सब्जेक्ट पे लेजिस्लेट कर सकता है, चाहे वो यूनियन लिस्ट का मैटर हो, कॉन्करेंट लिस्ट का मैटर हो, स्टेट लिस्ट का मैटर हो, ठीक है। और ये चीज़ पुदुचेरी और दिल्ली पे भी एप्लीकेबल होती है, यानी पुदुचेरी और दिल्ली में उनके खुद के स्टेट लेजिस्लेचर्स हैं, 1962 और 1992 में बनाए गए थे, ठीक है। लेकिन डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि वहाँ पे उनके खुद के स्टेट लेजिस्लेचर्स हैं, पार्लियामेंट किसी भी सब्जेक्ट पे, चाहे वो यूनियन लिस्ट का सब्जेक्ट हो, स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट हो या कॉन्करेंट लिस्ट का सब्जेक्ट हो, लेजिस्लेट कर सकता है। अच्छा, बात की जाए कि अगर पुदुचेरी और दिल्ली के स्टेट लेजिस्लेचर की बात की जाए तो वो किस किस चीज़ पे लेजिस्लेट कर सकते हैं, तो वो स्टेट लिस्ट की सब्जेक्ट्स पे लेजिस्लेट कर सकते हैं, कॉन्करेंट लिस्ट के सब्जेक्ट पे लेजिस्लेट कर सकते हैं। बस एक एक्सेप्शन है कि जब दिल्ली के स्टेट लेजिस्लेचर की बात होगी तो वो पब्लिक ऑर्डर, पुलिस या लैंड पे लेजिस्लेट नहीं करेगा, ठीक है। लैंड, पुलिस और पब्लिक ऑर्डर दिल्ली स्टेट लेजिस्लेटर के अंदर में नहीं आता है, वो ऑब्वियस रीजन है फ्रेंड, क्योंकि वो कैपिटल है, वहाँ की पुलिस, वहाँ की ज़मीन, वहाँ का पब्लिक ऑर्डर सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर में ही रहना चाहिए। क्योंकि पता चला सरकार, स्टेट गवर्नमेंट में अलग सरकार है, सेंट्रल गवर्नमेंट में अलग सरकार है, अब स्टेट गवर्नमेंट कह रही कि ज़मीन हमारी है, हम सचिवालय के लिए ज़मीन नहीं देंगे, तो सेंट्रल गवर्नमेंट कैसे काम करेगी। तो वहाँ के लैंड का, पुलिस का और पब्लिक ऑर्डर का सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल के अंदर रहना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद यूनियन टेरिटरी के लिए एक अलग हाई कोर्ट भी बनाई जा सकती है। फिलहाल के लिए केवल दिल्ली ही एक ऐसी यूनियन टेरिटरी है जिसकी अपनी खुद की हाई कोर्ट है, बाकी सब यूनियन टेरिटरीज एडजॉइनिंग स्टेट्स की हाई कोर्ट के अंदर में आती हैं, जैसे दादरा नागर हवेली और दमन एंड दीव बॉम्बे हाई कोर्ट के अंदर आता है, अंडमान निकोबार आइलैंड्स कोलकाता हाई कोर्ट के अंदर आता है। जब आप पोर्ट ब्लेयर जाएंगे, जब मैं गया था तो वहाँ पे आपको लिखा हुआ नजर आएगा सर्किट बेंच ऑफ द कोलकाता हाई कोर्ट, तो अंडमान निकोबार आइलैंड्स कलकत्ता हाई कोर्ट के अंदर में है, लक्षद्वीप केरला हाई कोर्ट के अंदर में है, पुडुचेरी मद्रास हाई कोर्ट के अंदर में है, चंडीगढ़ पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के अंदर में है, ठीक है। और अगर एक्वायर्ड टेरिटरीज की बात की जाए तो एक्वायर्ड टेरिटरीज के लिए कोई बहुत अलग से स्पेशल प्रोविजंस नहीं दिए गए हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ा एक्सेप्शन होगा एक्वायर्ड टेरिटरीज का आना, तो इन केस अगर ऐसा कुछ होता है तो एक्वायर्ड टेरिटरीज के ऊपर भी यूनियन टेरिटरीज के नियम ही लगेंगे अगर एक्वायर्ड टेरिटरीज इंडिया में आती हैं, क्योंकि अलग से कोई भी प्रोविजंस फिलहाल के लिए एक्वायर्ड टेरिटरीज में नहीं है। उसके बाद आर्टिकल 240 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्या करता है, ये रेगुलेशंस के साथ डील करता है। इसमें ये बोला गया है फ्रेंड्स, सब समझिए कि इसमें आर्टिकल में लिखा ही इतनी जगह का नाम है तो अपना दिमाग मत लगाइएगा। तो इसमें लिखा है कि भाई प्रेसिडेंट रेगुलेशंस बना सकता है पीस के लिए, प्रोग्रेस के लिए, गुड गवर्नमेंट के लिए, किस किस यूनियन टेरिटरी के लिए, अंडमान निकोबार आइलैंड्स के लिए, लक्षद्वीप के लिए, दादरा नागर हवेली के लिए, दमन एंड दीव के लिए और पुदुचेरी के लिए।
और पुदुचेरी के लिए प्रेसिडेंट तभी रेगुलेशन बनाएगा जब पुदुचेरी की स्टेट असेंबली सस्पेंडेड हो या डिसॉल्व हो। अगर वो काम कर रही है तो उसके लिए रेगुलेशंस नहीं बनाए जाएंगे। तो आर्टिकल 240 रेगुलेशंस बना सकता है प्रेसिडेंट पीस, गुड गवर्नमेंट और प्रोग्रेस के लिए। किस किस के लिए? अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, दमन दीव, दादरा नगर हवेली, पुदुचेरी। पुदुचेरी कब? जब स्टेट लेजिस्लेचर आपका सस्पेंडेड हो या डिसॉल्व हो। तो यूनियन टेरिटरी के बारे में मेन मेन चीजें सब बात कर ली है, अलग वीडियो में सिर्फ दिल्ली और पुदुचेरी को कैसे एडमिनिस्टर किया जाता है ये मैं आपको साथ डिस्कस करूंगा। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो। फ्रेंड्स पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, कमेंट्स के थ्रू बताइए कैसी लगी, डाउट है तो पूछे कैसी लगी, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स, हैव अ ग्रेट डे एंड टेक केयर।